हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है स्टेज शो पवन सिंह और डिंपल सिंह का। ये है स्टेज शो पार्ट टू। पार्ट वन मैंने रिएक्ट कर दिया है, वो गदर वाला जो था ना वो वाला है। और इस स्टेज शो का नाम है पवन सिंह खुद रोकर आज फिर से सबको रुला दिए। ऐसा क्या हुआ भाई कि पवन सिंह रो पड़े? तो जल्दी वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे रिएक्शन लेके आऊँ तो मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें और अपनी सजेशन कमेंट करके भेज दें। अरे सनहिया लगा हबल, बहुत बात नहीं। कहां ये सबके नसीब में है कि कोई सैड सॉन्ग आए और हमारे ऑडियंस गरज दे। लव यू भैया। अरे सनहिया लगा हबल, बहुत बात नहीं। नजरिया चुरावल, बहुत बात हो। सुनिया लगा बहुत बात नहीं। नजरिया चुराव, बहुत बात हो। केहू के रुबल, बहुत बात नईखे। केहू के रुबल, बहुत बात नई। रुआ के हसावल, बहुत बात हो। सनहिया लगावल, बहुत बात नई। नजरिया चुरावल, बहुत बात हो। परसों मेरा एक नए कंपनी से गाना आया है जिसका टाइटल है कालेबू। वो तो जी बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी ये, इसका सेकंड पार्ट जो मतलब उस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है ये बहुत छोटा सा था। कोशिश करूंगी थर्ड पार्ट इसका लंबा हो, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी थी। रियलिटी में गाना बहुत सैड सॉन्ग था। और मतलब सही बात है कि भी ये कोई बड़ी बात नहीं होती किसी ने रुला दिया, बड़ी बात ये होती कि जो रो के हंसा दे। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको रोते हुए को हंसा दे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसकी आप कदर ज़रूर करें। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे इंसान बहुत बहुत कम होते हैं जो हमें खुश देख के खुश होते हैं, या हमारे अच्छे के लिए चाहते हैं कि जो कुछ भी उनका अच्छा हो, या उनकी बस लाइफ में एक ही मकसद होता है कि हम खुश रहें। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी हो, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो अगर वो आपको इतना प्रायोरिटी देता है कि आप खुश रहो, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसकी कदर कभी ना खोएं, उसकी हमेशा कदर करें। और जो इन्होंने गाना इनका कहा ना लबू हो, जो गाना इनका आया है वो मैंने रिएक्ट करा था लेकिन वो ब्लॉक हो गया। तो आप में से बहुत जनों ने कमेंट करके बोला है कि वो गाना रिएक्ट नहीं करा। मैंने किया था लेकिन वो उन्होंने कंपनी ने ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं उसका
वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ, खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप कोई ऐसी सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ, खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।